प्रदेश में 55 घंटों के लॉकडाउन के समय पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और घरों से बाहर निकलते ही कार्रवाई भी की जा रही है। सड़कों पर घूमने वाले व वाहनों को लेकर चलने वालों की शामत आए और उनके चलान भी धड़ाधड़ काटे गए। एक भी वाहन ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा था जिसका चलान न किया जा रहा हो। दरअसल बता दें, डीएम शकुंतला गौतम व एसपी अजय कुमार ने पहले ही दिन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर गई और सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी। वहीं जगह जगह चेक प्वाइंट बनाकर चेकिंग की जा रही है। घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी रोग की रोकथाम के लिए और कोविड की रोकथाम के दृष्टि रखते हुए दिनांक 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की प्रातः 5 बजे तक जो है लॉकडाउन किया गया है। इसमें मैंने एसपी साहब ने और हमारे एडिशनल एसपी एडीएम, हमारी जो टीमें लगी हुई एसडीएम साहबान, सीओ साहबान, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट सभी भ्रमणशील हैं और आप स्वयं देख रहे हैं कि ये जो है पूरा मार्केट जो है ये बंद है। खाली दवा से संबंधित जो दुकानें हैं, जो बहुत ही आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें हैं, वो बीच बीच में किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए खोली गई। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर चिकित्सा विभाग की जो टीम डोर टू डोर जो है स्पेशल सर्विलांस अभियान के तहत जो है घर घर जाकर जो है चेकिंग कर रही है, सर्विलांस कर रही है, वो टीम काम कर रही है। नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत की जो पंचायत राज की जो टीमें हैं, सफाई कर्मी हैं, वो इस समय जो है बृहद स्वच्छता अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। 1217 करीब हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो पूरे ज़िले में इन दिनों इस अभियान में पूरी तरह से जुटे हुए हैं और जो स्वच्छता का बृहद स्वच्छता जो अभियान है वो पूरी तरह से सफल है।